गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में अगेन मैं आपको कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। अगला प्रोग्राम इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, सिंपल। फिर से हम 3 नंबर एज एन इनपुट लेंगे और उसमें हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, फिर उसके अंदर हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सुपर इजी। अब ये मैं प्रोग्राम वहां करके नहीं दिखा रहा हूं, सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं पे। अगेन हमने 3 वेरिएबल बनाए, एबीसी, देन एक मैसेज दिया, तीनों को इनपुट ले लिया। बस यहां पर ये चेक कर रहे हैं कि क्या ए बड़ा है बी से, क्या ए बड़ा है सी से। वहां पर लेस देन का साइन था और यहां पर बस ग्रेटर देन का साइन। और आप एक चीज नोटिस करना, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, गिव मी 1 सेकेंड। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं यहां पर, आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पर मैंने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट यूज किया हुआ है, थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए। नहीं भी लगाते तब भी ये चलता। आपने नोटिस किया होगा जब मैं आपको ये वाला प्रोग्राम दिखा रहा हूं ऑन दिस प्लेस, यहां पर मैंने आपके सामने कोई ब्रैकेट का साइन नहीं लगा रखा अलग से। वो सिंपल क्लैरिटी पर्पस के लिए है कि आप क्लैरिटी लेके आना चाहें पहले कि ए और बी का कंपैरिजन हुआ होगा। ऐसे ही हमारे पास ए और सी का कंपैरिजन हुआ होगा। ये सिंपल उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए है, दैट्स इट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पुराने वाले प्रोग्राम में और इसमें सिंपल एक ऑपरेटर का अंतर है। सिंपल वहां लेस देन का साइन लग रहा था क्योंकि हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे, और यहां पर हम लार्जेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है। ये सिंपल जावा में प्रोग्राम दे रखा है, वहां पे इनपुट लेने के लिए हम java.util पैकेज का यूज करते हैं। क्लास बनी दिस इज मेन, वहां पर हम स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं जावा में। तो मैं अभी इस पर कोई एनर्जी लगाना नहीं चाहता हूं, ये आप खुद देखेंगे एक बार जिन स्टूडेंट्स को जावा आती है। ये प्रोग्राम आपको समझाना चाहता हूं, ये थोड़े से सिनेरियो बेस्ड होते हैं। मैंने इनके लिए एक नया टर्म आपको मैं यूज करके बता रहा हूं। इनको बेसिकली हम लोग स्लैब बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं, स्लैब बेस्ड। इसमें नॉर्मली जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें अगर आप पूरे महीने में 1 से लेके 100 के बीच में, यानी कि 1 और 100 भी उसमें इंक्लूसिव है, अगर इतनी कॉल अगर कर रहे हैं तो 80 पैसा पर कॉल लगेगा, यानी कि जो आपका बिल जनरेट होगा वो 80 पैसे के हिसाब से होगा। नेक्स्ट 200 कॉल्स पर 50 पैसा लगेगा। बट इसका मतलब समझते हैं, नेक्स्ट 200 का मतलब क्या होता है। लेट से आपने एक महीने में 150 कॉल किया, 150, तो यानी कि जो शुरू की 100 होंगी उन पे तो 80 पैसा पर कॉल लगेगा। तो जो बची हुई रह गई है, जो हमारी बच गई, वो कितनी बची, 50, उन पर 50 पैसा लगेगा। तो कई बार स्टूडेंट्स यहां पे गड़बड़ कर देता है, यहां पे कोई मिस्टेक उससे हो जाती है कि वो पूरी 150 पर ही 50 पैसे के हिसाब से कैलकुलेशन कर देता है। ऐसा नहीं करना, यही तो सीखना है इसमें कि अगर 150 अगर कॉल किसी ने किए हैं तो शुरू की 100 पर 80 पैसा के हिसाब से और जो रिमेनिंग है उस पर 50 के हिसाब से। अब जैसे मोर देन 300, अगर आपने मान के चलो 350 कॉल कर ली, 350, तो यहां पर क्या होगा पता है, मैं 350 का बता रहा हूं, यानी कि शुरू की 100 पर 80 पैसा के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अगली जो 200 होंगी, देखिए पैसा निकालना है तो सिंपल आपको 0.80 कर देना, राइट, 80 पैसा निकल के आ जाएगा। और जो अगली 200 होंगी उस पर आपको 50 पैसे के हिसाब से करना है। अब जो रिमेनिंग बचेंगी भाई 350 में से माइनस 300 कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेंगे विच इज 50, उन पर हमारा कितना पैसा लगेगा, 30 पैसा पर कॉल लगेगा। तो ये प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बताएं,
व्हाई दिस प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट कि नॉर्मली स्टूडेंट्स उसको माइनस करना भूल जाता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सिंपल ये हेडर फाइल मेन सारे लोग जानते हैं, कॉल्स नॉर्मली राउंड फिगर में होंगी, तो हमने कॉल्स नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर में बनाया, परंतु जो कैलकुलेशन होकर आएगी बिल की उसमें 0.80, 0.50 या 30 पैसा तो 0.30 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि उसमें डेसिमल वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर हमने जो उसका टाइप है वो डबल लिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में आप GT लिखिए, राइट, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि उसमें किस तरीके से माइनस करना है, राइट, टाइप GT इन द चैट बॉक्स, राइट। ग्रेट देवेश, अवनेन्द्र, वाओ, कैपिटल GT, थैंक यू, थैंक यू। देवव्रत, कनक, सो मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव, थैंक यू सो मच गाइज। चलिए, एंटर द नंबर ऑफ कॉल्स। मैं यहां पर अभी जो कॉल्स ले ले रहा हूं, ये कुछ वेरिएबल बना ही लेता हूं, कॉल्स बना लिया और एक मैंने बिल करके वेरिएबल बना लिया। लेट्स से आपने 150 कॉल्स ली, अभी बिल तो है नहीं, इनिशियली चाहो तो उसमें 0.0 दे सकते हैं आप लोग इनिशियली। एंटर द नंबर ऑफ द कॉल्स, आपने कॉल्स ले ली यहां पे, क्या आपकी जो कॉल्स हैं वो 100 से कम है क्या? नो, हमारी तो 100 से, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसमें ये एंटर नहीं होगा। यहां पर आया, क्या कॉल्स आपकी 100 से ज्यादा है? यस। और 300 से लेस है? यस। हम इस पैरामीटर में आ रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा शुरू के 100 पर 80 पैसा के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली, तो यहां तो हो गए होंगे 80 रुपीज, राइट। 0.80 इंटू 100 प्लस कॉल्स माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले चलेगी, कॉल्स माइनस 100 यानी कि 150 में से 100 को माइनस कर दिया, कितना रह गया होगा 50, उसमें फिर इंटू कर दिया 050 का, तो कितना हुआ भाई 25 रुपीज। तो इसका जो अमाउंट आना चाहिए विच इज व्हाट 105। एक बार मैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बना के दिखाना चाहता हूं। और एक लास्ट लाइन और समझना आप लोग, अगर आपकी कॉल 300 से ज्यादा है, 300 से, तो देख रहे हैं आप शुरू की 100 कॉल्स पर 100, ये टाइप हो गया है, 80 पैसे के हिसाब से, अगली 200 पर 50 पैसे के हिसाब से, और जो बचा हुआ रह जाएगा माइनस 300 उस पर हमें 0.30 उसके हिसाब से बिल कैलकुलेट करना है, राइट। तो क्यों ना इस प्रोग्राम को मैं आपको बना के दिखाऊं। बट एक चीज और समझनी, LF लगाया है मैंने, LF बोले तो लॉन्ग फ्लोट, सी में डबल के लिए हम LF का यूज करते हैं। इस प्रोग्राम को एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं, राइट। ये बेसिकली आपको वो रेंज पता होनी चाहिए। सो ऐसा करते हैं, इसमें से जो और चीजें उनको हटा दिया, जो कॉमन कोड है उसको मैंने यहीं की यहीं रख लिया, राइट। दो वेरिएबल बना लेते, एक हमें कॉल्स का बनाना था जिसमें हम एज अ लाइक जितनी भी कॉल्स कोई कर रहा है पूरे मंथ में उनको हम इसमें स्टोर कर लेंगे और जो बिल है वो हमारा इसमें आ जाए। सबसे पहले हमें यूजर के सामने एक इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है, राइट। एंटर योर टोटल कॉल्स, कितनी कॉल कर रहे हैं, राइट, इन अ मंथ। ये सिंपल थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली कर दिया मैसेज को, राइट। यहां पर आप क्या करेंगे, scanf, इनपुट लेने के लिए हमने %D का यूज किया। आप इसे स्टेप बाय स्टेप करें मेरी तरह, राइट। डोंट डू कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट करेंगे काम खराब हो जाएगा, राइट। हम यहां पर आए और आपने कॉल्स को एज एन इनपुट लिया, देन आपने यहां पर एक चेक लगाया कि अगर आपकी जो कॉल्स हैं अगर वो 100 से कम है या उसके बराबर हैं
तो आपको जो बिल बताना है वो कॉल्स का, हर कॉल में हमें जितनी भी पर कॉल थी हमारी वो 80 पैसा की थी एलसीएफ। अगर ऐसा नहीं तो आपकी कॉल्स पक्का 100 से ज्यादा होंगी। एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा, इक्वल का साइन आपने यहां लगा दिया था तो 100 हैज बिकम द पार्ट ऑफ द फर्स्ट इफ। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि आपको फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना है, यहां इक्वल का साइन मत लगा देना, नहीं तो इसका मीनिंग क्या होगा, 100 यहां पर भी इंक्लूडेड होगा और यहां पर भी हो गया, सो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। वो एक फ्लो हो जाएगा। उसके साथ साथ और एक लगाया हमने कॉल्स। देखिए मैंने यहां पर 300 को इंक्लूड कर लिया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जो बिल हमारा जनरेट होगा तो आपको ये पता है कि शुरू की 100 कॉल्स पर तो उसको 80 पैसा देना है, उसके साथ साथ प्लस बचा जो रह जाएगा, राइट, कॉल्स माइनस 100, उस पर कितना देना था उसको, आई थिंक 50 पैसा, राइट। वो वहां से वो टेबल हम देख सकते हैं। और तीसरी जो सिचुएशन थी एल्स इफ, या एल्स भी लगा सकते हैं, कॉल्स जो हैं अगर वो हमारी 300 से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगा, शुरू की जो 100 है, देखिए पहला वाला फंडा तो यही रखना है, राइट, 0.80 प्लस अगली 200 पर हमको कितने के हिसाब से पैसा लेना था, 50 पैसा प्लस। अब इसमें से आपको क्या करना होगा, 300 कॉल को माइनस करना होगा, जो बचा हुआ है उस पर आपको 30 पैसे के हिसाब से 30 पैसा। सो यहां पर हमने इतना लिया, राइट, तो चलिए इसे एक बार देखते हुए चलते हैं, हाउ वी डू दिस। फाइनली यहां पर आके प्रिंट एफ योर मंथली बिल इज परसेंट एलएफ, राइट, और यहां आके हमने बिल को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। कोई भी टाइप होगी वो मिल जाएगी, राइट, सिंपल। यहां पर तीन सिचुएशन मैंने लगाई, राइट, तीन सिचुएशन कौन सी है, वो गौरव सर सही है, वो अगर 100 तक होगा तो ये वाला काम होगा, 100 से ज्यादा यानी कि 101 से शुरुआत होगी और कहां तक, 300 तक, तो उसमें शुरू के 100 पर 80 पैसे के हिसाब से। अब उसमें से वो हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा 100, कौन सी वाली जो यहां कैलकुलेट हो गई उनको माइनस करना पड़ेगा, लेट से ये 150 वाली जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी उस पर हम 50 पैसे के हिसाब से लेंगे, और 300 से ज्यादा है जैसे 350 हो गया, तो शुरू के 100 पर 80 पैसे के हिसाब से, नेक्स्ट 200 पर 50 पैसे के हिसाब से फिर इनको माइनस करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो एक बार मैं इसे रन करा के दिखाना चाहता हूं। सी देखिए स्लैश एन लगाया है तो कर्जर नीचे आ रहा है, और मैंने यहां पर 150 का ही यूज किया जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। योर मंथली बिल इज कितना आ रहा है, 105, और 0.60 आ रही। मुझे कोई बताए आप में से, अगर मुझे 0.3 डिजिट लेकर आने हैं, बस 3 digits, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। शुभम इज करेक्ट, दीपिंदर आप गलत हैं, मैंने 3 digit बोला हुआ है। सो यहां पर मैंने क्या लगाया, 0.3। सो मैंने इसे रन किया, देखिए एंटर योर टोटल कॉल्स इन अ मंथ, और यहां पर मैं अगेन वही 150 डाल रहा हूं। सी दशमलव के बाद अब 3 digit आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं भाई, यहां पर देखिए 0.3,
आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।